हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इस जैकेट की यहाँ पर देखिए अगले पार्ट की वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों फ्रंट पार्ट आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं कि इसने इनको हमने किस तरह से बनाया। दोनों मेरे ये एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, दोनों फ्रंट पार्ट ये हैं। ये मेरा है यहाँ पर बैक वाला पार्ट। आज हम इस वीडियो में बैक पार्ट का आपको मेजरमेंट और यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करना बताएंगे कि किस तरह से बनाया। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में मैंने वाइट कलर के धागे से 67 फंदे डाल के, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 धारियाँ हैं। तो 10 सिलाई मैंने सीधी तरफ से भी उल्टी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी की टोटल 10 सिलाई बना के बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बना के ऊपर मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ को बना के कवर किया है, यानी कि जितनी लेंथ मेरी यहाँ पर अगले वाले पार्ट की आर्म होल की कटिंग से नीचे की है, सेम मैंने उतना ही इसको यहाँ पर देखिए बना के इसकी लेंथ को यहाँ पर कंप्लीट किया है इस तरह से। तो इतना बनाने के बाद यहाँ पर भी मैंने उल्टा उल्टा दोनों तरफ से, यानी कि सीधी तरफ से भी उल्टे उल्टे का सिंपली मैंने ये बैक पार्ट बना है। अब आगे हमने इसकी कटिंग करनी है यहाँ पर आर्म होल की। आर्म होल की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए हम स्टार्टिंग में दो फंदे कम करेंगे, तो दो को इकट्ठा एक उल्टा बनाएंगे, एक फंदा यहाँ पर कम हुआ, फिर से इस फंदे को इसमें डाल के फिर से दो का एक, इस तरह से। फिर से यहाँ पर देखिए मेरी पहली सिलाई में दो फंदे ये कम हो गए हैं। अब हम यहाँ पर 4 फंदे रहने तक उल्टा उल्टा बनाएंगे, यानी कि जो ये सिलाई है यहाँ पर, यहाँ से भी हम दो फंदे कम करेंगे। दो फंदे जैसे यहाँ पर किए हैं, यहाँ से भी हम दो फंदे कम करेंगे। ये बीच वाले फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेते हैं पहले, फिर दिखाते हैं आगे हम किस तरह से इनको बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया, लास्ट में 4 फंदे हमारे ये बच्चे हैं। तो इनको भी हम यहाँ पर देखिए दो का एक, एक फंदा कम हुआ, फिर से ये लास्ट वाले दो फंदे हैं, तो इनको भी धागा पीछे करके इनको हम यहाँ पर दो का एक ही कर देंगे। धागा पीछे इसलिए किया क्योंकि यहाँ से किनारे से हमारे यहाँ से फिनिशिंग आए, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि दो फंदे यहाँ से कम किए हैं, दो फंदे यहाँ से कम किए हैं, 4 फंदे हमारे कम हुए पहली सिलाई में। उल्टे साइड से हम पूरी रो को उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। तो मैं पूरी रो उल्टा उल्टा फंदे का बना लेती, इसमें न कोई फंदा घटाएंगे न बढ़ाएंगे। तो मैं बुन लेती हूँ उल्टी साइड से दूसरी सिलाई को। तो ये देखिए उल्टी साइड से दूसरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ गए हैं इसकी तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। तीसरी सिलाई में हम किस तरह से फंदे को घटाएंगे, पहली सिलाई में तो हमने यहाँ से दो फंदे घटाए थे, अब की बार हमने सिर्फ एक टाइम ही हमने एक फंदा कम करना है, यानी कि दो का एक सिर्फ एक बार यहाँ पर। आगे पूरी रो को हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे और लास्ट में हमारे यहाँ पर दो फंदे रहेंगे, तो यहाँ पर भी हम दो का एक कर लेंगे। तो मैं ये यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने लास्ट दो फंदे रहने तक मैंने यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन लिया। जब लास्ट के दो फंदे हमारे बचे थे, इन दोनों फंदों को हम इकट्ठा दो का एक बुन लेंगे इस तरह से। तो एक फंदा इधर से कम हुआ, एक फंदा इधर से। उल्टी साइड से हम पूरी रो को अब उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो मैं ये उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे हम पांचवी सिलाई आगे किस तरह से बनाएंगे। ये चौथी सिलाई है और उल्टी सिलाई, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना के और मैं अब कंप्लीट करती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम इसको पांचवी सिलाई को कैसे बनाएंगे।
तो ये देखिए उल्टी रो को उल्टा उल्टा बना लिया। अब आ गए हैं यहाँ पर पांचवी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। पांचवी सिलाई में हमने फिर से एक फंदा इधर से एक इधर से, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसकी आगे कटाई करेंगे, यानी कि आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए मैंने इसकी कटाई किस तरह से की है, इस तरह से हमारी आर्म होल की कटाई बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टाइम तो दो, ये देखिए यहाँ पर एक बार मैंने दो फंदों की कटाई कर ली है। दो फंदे पहली सिलाई में कम किए, अगली सिलाई में एक कम किया, यानी कि ये दो सिलाई इसमें दो इसमें, चार सिलाई यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दी। आगे हमने एक दो तीन चार, चार टाइम फिर से मैंने एक एक फंदा हर सीधी साइड से बना के फिर इसकी यहाँ पर लेंथ को कंप्लीट करना। इसी तरह से हम ये दूसरे वाली साइड से भी ऐसे ही करेंगे, एक बार दो फंदे कम करेंगे, पांच टाइम हम एक एक फंदा कम करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक तो मैंने तीन फंदे, तो ये एक बार दो फंदा एक एक फंदा, चार सिलाई में तीन फंदे तो मैंने कम कर लिए हैं, आगे चार टाइम और एक एक फंदा कम करेंगे, यानी कि टोटल आठ सिलाई और हम फंदों में को कम करेंगे। हर सीधी सिलाई में एक फंदा कम, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, इसी तरह से चार इधर से चार इधर से ये फंदे हम कम करेंगे। तो आगे इससे ऊपर फिर से हम इस लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये फंदे तो मैंने चार सिलाई में कम कर लिए हैं, चार रो तो बना लिए, ये ऊपर एक एक करके चार टाइम और मैं ये कंप्लीट करके लेंथ कंप्लीट करके ऊपर तक फिर दिखाती हूँ फाइनल लुक बैक पार्ट का किस तरह से आएगा। बैक पार्ट की लेंथ को भी यहाँ पर आर्म होल की कंप्लीट कटाई करके और यहाँ पर इसको मैंने बना के कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर बचे फंदों को ऊपर बाइंड ऑफ कर लिया। तो मैंने लेंथ सेम जैसे फ्रंट पार्ट है इन्हीं की तरह मैंने, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जैसे यहाँ पर आर्म होल की कटिंग थी यहाँ से लेके और ये यहाँ तक सेम मैंने एक जैसे इसकी लेंथ को कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट बन के रेडी है। तो अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ।